हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व के साथ में ही इसको डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लासिफिकेशन को कुछ इसके टर्म्स हम लोगों को पता होना चाहिए, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ठीक है। उनके बीच के हम क्लासिफिकेशन की बात हम बाद में करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन की। पहले हम, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार हम सुनेंगे बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, तो आपने कई बार सुना होगा किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ क्या होती है, ऐसे करके बोला जाता है। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो एक सिंपल सा फंडा है, अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में सीख समझिए, एक सॉल्यूशन में कोई भी एसिड है, एच ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही वाटर में ऐड, सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद एच आयन और उसके आयन्स में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, आयंस में टूटने का मतलब है डिसोसिएट होना, तो जितना जल्दी ये डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब उतना अच्छा ये एसिड है। यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी होंगे वो बहुत ही अच्छे से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जो एक्सटेंड ऑफ डिसोसिएशन होगा उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, कि जितना ज़्यादा डिसोसिएशन फास्ट होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। फास्ट एक अलग पैरामीटर कह सकते हो, लेकिन हाँ, कंप्लीट होगा ज़्यादा सही रहेगा कहना, कि जितना कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में आयंस जनरेट होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस होगा, ठीक है। यानी कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम एसिड के केस में के ए से डिनोट करते हैं और बेस के केस में के बी से डिनोट करते हैं, हमेशा हाई होगा, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा हाई होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लार्ज होता है, या स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो लार्ज होता है इन कंपेयर टू वीक बेस और वीक एसिड्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स कंपोनेंट आयन इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट आयन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नोट कर सकते हो आप। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटा सा एक एक्सप्रेशन अगर आप देखना चाहो, तो जैसे मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा किसमें, एच आयन और एसिड के आयंस में, ठीक है। तो अगर हम इसके कांस्टेंट की बात करें, इसको हम इसको वाटर के साथ दिखा देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में हम कह रहे हैं डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्वेंट के साथ में दिखा दिया है। तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अनआयोनाइज्ड, ठीक है, और आयोनाइज का रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे एच आयन, ये जितने भी आयोनाइज फॉर्म होगा वो ऊपर आएगा, कितने आयोनाइज हुए टोटली अनआयोनाइज में से, ठीक है, कितने आयनाइज्ड हो गए टोटली अनआयनाइज्ड में से, ठीक है। किसी टोटल चीज में से जब हम कुछ आयनाइजेशन निकाल रहे हैं तो वो चीज ऊपर आएगी। ये चीज हम परसेंटेज में भी रखते हैं, कि जितने मार्क्स टोटल थे उसमें से कितने आए। ऐसे ही कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि किस चीज को हमें ऊपर रखना है, किस चीज को नॉमिनेटर, कौन सा डिनोमिनेटर होगा। तो ये याद रखने के लिए कि टोटल आपके पास अनआयोनाइज थे और फाइनली क्या है, आयोनाइज है, तो हमेशा जो राइट हैंड साइड में है उसको हमने ऊपर रखा है, जो आयोनाइज फॉर्म है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना अच्छा एसिड, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। ऐसे ही वाइस वर्सा हो जाता है बेस के लिए। यहाँ बेस की जगह पे हम ले लेते हैं बी से डिनोट कर देते हैं इसको, BOH, ठीक है। तो ये किस में डिसोसिएट होगा, इसको लिख लो, OH आयंस प्लस आपके अब बेस। तो अगर KB को डिनोट करना है तो आपका हो जाएगा OH आयंस इनटू आपके बेस के आयंस डिवाइड बाय आपका अनआयोनाइज्ड बेस, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस की, ठीक है, तो वीक एसिड क्या होगा, जो कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, यानी उसके जो आयंस हैं वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट होंगे, ठीक है। उसको भी हम के से डिसोसिएशन कांस्टेंट से डेफिनेटली दिखाएंगे। देखो, कंप्लीट डिसोसिएशन होने का मतलब है कि पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया है इनके आयंस का, यानी वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब हो गया आपका कि जो आयंस हैं वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, किसी एक्सटेंट तक ही वो ब्रेक हुए हैं, उस एक्सटेंट को हम कह देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसको एसिड के केस में फिर वही के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेस के केस में उसको केबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल फटाफट पॉज करिए वीडियो और एक एक एग्जाम्पल सोचिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का। तो पहला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है HCl या H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा NaOH या फिर KOH एक्सेट्रा। वीक एसिड की अगर बात करें तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का होता है, CH3COOH। और वीक बेस की अगर बात करें तो एक हमारे पास होता है NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे डिस्कशन करेंगे हम, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, उस टाइम हम पर हम बताएंगे कि क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है, वीक बेस है। नेक्स्ट एक टर्म आप लोग ने बहुत सुना होगा और आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ भी रहे होंगे उस टाइम पर, दैट इज बफर, ठीक है। तो बफर क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ पीएच, मतलब कि इसका पीएच क्या होता है, स्टेबल रहता है, मतलब कि अगर आप हल्का सा भी उसमें एसिड या हल्का सा उसमें बेस ऐड करेंगे तो उसके पीएच पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके डाइल्यूशन करने पर अप टू सम एक्सटेंट तो वो बफर कैपेसिटी कहलाती है, दैट इज अनदर थिंग। तो ये भी एक बफर एक टर्म है जो कई बार आपको आता है सामने। तो बफर कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि कोई भी जो सोल्यूशन है, बफर है यानी सोल्यूशन बफर है, वो अपने आप को कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, कितना वो अपने आप को पीएच को चेंज होने से रोक पा रहा है, बचा पा रहा है, मतलब आप उसमें कितना चेंज करने पर भी, उसमें मतलब कुछ भी ऐड करने पर, चाहे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या कुछ भी ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करने पर भी वो रेजिस्ट कर रहा है, अपने पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप जनरली पढ़ोगे, और मेनली अभी मैं जब आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो आप वहां देखोगे मैं एक न्यूट्रलाइजेशन कर्व ड्रॉ करूंगी। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं जिसमें यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसके बेसिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, कितना पीएच में एक चेंज आया, राइट। इसके एक्स एक्सिस पे लेंगे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे हमें मिलता है पीएच। तो वॉल्यूम ऐड करने पर कितना पीएच में चेंज आया, ये इसका ऑर्डिनेट हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको प्लॉट करते हैं जब, तो इस कर्व को, जो भी कर्व बन के आएगा वो हर
केस में अलग अलग होगा। जब हम रिक्लासिफिकेशन करेंगे तो चार टाइप का हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करेंगे तो कैसा कर्व आएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व में क्या चेंजेस आएंगे, उसी के बेसिस पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व बेसिकली क्या है? द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग पीएच एस ऑर्डिनेट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट या एसिड हो या बेस हो, दैट इज टोटली डिपेंड्स कि आप कैसा टाइट्रेशन करा रहे हो, राइट? तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर मेन टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और हम उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ में न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, इन सबको हम मिलाते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखें अगर एसिड बेस टाइट्रेशन को, तो फोर टाइप्स के होते हैं। पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, तो सिंपली क्या है, कॉम्बिनेशन आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस के बना लेंगे। तो ये इस टाइप से आपको चार आप देख सकते हो कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक हो जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वीक बेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, यानी कि टाइट्रेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है, यानी कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल HCl ले रखा है, और एक हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं पहले हम लोग लेक्चर्स में, तो इसी को लेते हैं। तो आप दो काम करोगे टाइट्रेशन करते समय, या तो एसिड को बेस में ऐड करोगे, ठीक है, ऊपर टाइट्रेंट की तरह या तो एसिड लोगे और बेस लोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ NaOH लोगे या यहाँ पर NaOH लोगे, या यहाँ बे HCl लोगे यहाँ पर HCl लोगे, दोनों में से एक जगह लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम शुरुआत ऐसे करते हैं, मैं आपको दोनों टाइट्रेशन कर्व बताऊंगी, लेकिन पीएच किस समय कहाँ से स्टार्ट करनी है इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कि हमने जो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है 100 ml HCl ले लिया है जो कि 1 normal है, ठीक है, तो और हम उसको टाइट्रेशन किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं जो कि 1 normal है, ठीक है, 1 normal NaOH से 1 normal HCl का टाइट्रेशन करा रहे हैं जो कि 100 ml HCl हमने ले रखा है। तो यहाँ सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितना है, 100 ml। अगर आप पीएच का जो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच आइन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन, पीएच क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इस कंसंट्रेशन में एच आइन जो है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 1 normal के केस में टोटल आपके पास बिल्कुल कहीं पर भी डिसोसिएशन इसका नहीं हुआ है, कोई भी एसिड बेस इसके ऊपर आके ऐड नहीं हुआ है, उस टाइम उसका पीएच अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। कैसे, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आयन। तो कितने एच आयन है, मान लीजिए अगर आप 100 मान रहे हो, ठीक है, 100 ml मान रहे हो, तो 100 ml ही टोटल आपका है, टोटल उसमें एच आयन 100 ml के कंसंट्रेशन में, तो माइनस लॉग 1 = 0, तो पीएच 0 आएगा आइडियली स्टार्टिंग में, ठीक है।
यानी कि ये सारी बातें छोड़िए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब आपने 100 ml HCl लिया और उसका जब pH चेक किया, तो आपका जो pH आया वो आया 0। ठीक है, अभी तक आपने कोई भी NH इसमें से ऐड नहीं किया है, जस्ट आपने pH मीटर से इसका pH चेक किया तो 0 आया है। आइडियल कंडीशन है ये HCl की, 1 नॉर्मल की। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने इसमें 1 ml टाइट्रेंट ऐड किया, 1 ml टाइट्रेंट ऐड किया यानी कि NaOH ऐड किया, और जो आपका सोल्यूशन था ये नीचे वाला रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है, ये पहले 100 ml था, तो 1 ml आपने NaOH जब इसमें ऐड किया तो कितना ml हो गया, ये 101 ml हो गया, 1 ml टोटल सोल्यूशन हो गया। लेकिन जो रिजल्टेंट उसका वो एसिड इक्विवेलेंट बचा था उसमें, वो कितना बचा, 100 - 1 = 99 ml। ठीक है, तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट जो बचा एसिड का वो 99 ml बचा। तो अगर हम इसको पीएच में लगाते हैं, pH = -log 99/101, तो ये अगर हम कहीं कैलकुलेट करेंगे पीएच वैल्यू को इसकी, तो लगभग ये हमारा आएगा 0.0086। मतलब कि जैसे ही हमने 1 ml NaOH को ऐड किया इसमें, 1 ml NaOH को ऐड किया, तो ये आपका सोल्यूशन का है ना, तो आपका सोल्यूशन हो गया 101 ml, जो ये आपके कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, ये सोल्यूशन आपका 101 ml हो गया है। लेकिन इक्विवेलेंट, एसिड इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने बचेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी 100 - 1, यानी कि 100 ml जो एसिड था उसमें से 1 ml कंज्यूम हो गया है NaOH के द्वारा, और बचा है कितना, 99 ml। ठीक है, तो उसी रेशियो में एच आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो 99/101, ठीक है, इतना आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन में से इक्विवेलेंट एसिड बचा हुआ है। तो इसका पीएच हो गया दिस वन। अब अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो, देखिए जब हम प्लॉट कर्व हम बनाते हैं, तो क्योंकि हम ऊपर जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पीएच मेंशन करेंगे। तो हमने देखा कि जब हमने 1 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH को ऐड कर दिया, तो लगभग जो हमारा पीएच आया वो, मान लीजिए अगर यहाँ 1 ml 1 pH है और यहाँ 1 ml है, इसकी यूनिट ml में होगी और यहाँ pH होगा, तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 ml पे लगभग हमारा 0.087, कहीं 0 से थोड़ा ऊपर यहाँ पर आएगा, तो उसको हमने यहाँ पॉइंट कर दिया, ठीक है, प्लॉट कर दिया कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम अलग अलग वॉल्यूम्स पे प्लॉट कर करके देख लेते हैं। ऐसे ही अगर 50 ml ऑफ NaOH हम ऐड करेंगे, तो टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना बचा आपका, 50 तो यूज हो गया, ठीक है, तो 50 बचेगा, यानी कि अगर हम एच आयन देखें तो ये हो जाएंगे हमारे कितने बचे हैं, 50 out of 150। ठीक है, तो लॉग लगा देंगे इसमें, pH = -log 50/150। ठीक है, तो ये पीएच आपका आ जाता है से 0.47, ठीक है, लगभग। तो अगर अब हम इसे हम प्लॉट करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल कुछ
थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 0.086 से थोड़ा ही बड़ा होगा, और मान लीजिए यहाँ बड़ा है, आपने कितना एम एल ऑफ टाइट वॉल्यूम ऑफ एन ओ एच ऐड कर दिया यहाँ पर, 50 ml, लगभग आप हाफ वे में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 50 ml एन ओ एच ऐड करने पर आपका जो हल्का सा चेंज आ रहा है पीएच में, बहुत ही कम, राइट। ऐसे ही तो हमने ये पहले से टाइट्रेंट ऐड कर करके पीएच कैलकुलेट करके देख लिया है यहाँ पर। आइडियली हम क्या करते हैं कि जो हमारा पीएच मीटर होता है उसमें वैल्यू आती जाती है और हम प्लॉट जो है अपना कर्व जो है वो प्लॉट करते जाते हैं, डजेंट मीन मैटर। हम यहाँ क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करके दोबारा से देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ ग्राफ को। तो वॉल्यूम हम एनओएच ऐड कर रहे हैं पीएच में, देखिए आइडियली 00 आना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम कहीं यहाँ से पीएच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 ml पे हमारा लगभग 0.008 समथिंग आया था, मान लीजिए यहाँ था, ठीक है। उसके बाद हमने सीधे देखा 50 ml पे हम पहुँचे, 50 ml पे हमने कहीं देखा कि 0.4 समथिंग आया था, तो वो भी कोई ज़्यादा शार्प चेंज नहीं था। 50 ml पे पहुँचने के बाद भी हम बहुत कम ही पीएच में ऊपर गए थे, यहाँ तक 0.4 ही मान लीजिए, ठीक है। अगर हम एक्चुअल प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छे कर्व बन के आते हैं इसके। अगर हम फिर नेक्स्ट प्लॉट करना चाहें 75 ml पे, हम देखें यहाँ 50 था, यहाँ 75 ml पे लगभग 0.84 के आसपास, यानी हल्का सा इसमें चेंज आया है कर्व में। 1 ml अगर यहाँ मान लें आप इसका, तो 0.84 समथिंग। 90 ml पे जब हम पहुँचे तब भी हमने क्या देखा, 1.27, बहुत ही हल्का चेंज पीएच में फिर से। उसके बाद 99 ml हमने ऐड कर दिया टाइट्रेंट एनओएच ऐड कर दिया, तब हमारा पीएच में हल्का सा चेंज आया, दैट इज 2.2 समथिंग, यहाँ मान लीजिए हमने प्लॉट कर दिया इसको, इसके इक्विवेलेंट करते हैं नीचे से। उसके बाद 99.9 ml तक भी पहुँच कर हमारा जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा जो पीएच है वो चेंज नहीं हुआ, करीब 3.38 मान लीजिए से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया जैसे ही 100 ml ऑफ एनओएच ऐड किया, ठीक है, जैसे कि ही एट 100 ml ऑफ एनओएच, यहाँ तक तो हमने कितना 99.9 कर रखा था, ठीक है, इस पॉइंट तक जैसे ही 100 ml ऐड किया तो ये जो कर्व था वो अचानक से एकदम से पीएच जो इसका 7 पे पहुंच जाता है, ठीक है, पीएच 7 पे पहुंच जाता है। उसके बाद अगर हम 1 ml भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा अब, क्योंकि पीएच बढ़ गया है तो हम ओएच का कंसंट्रेशन देखना शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 ml भी ऐड होगा तो यहाँ ओएच 1 ml एक्स्ट्रा ऐड हो गया है और टोटल जो हमारा सोल्यूशन है वो 201 हो गया है। तो पीएच अगर कैलकुलेट किया जाए इससे, इस बेसिक सोल्यूशन का, तो 11.6 समथिंग आएगा, यानी एक टाइम के बाद ये फिर से कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम कर्व प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। इसको छोटे से मैं बना देती हूँ मैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एकदम शार्प चेंज हुआ और pH 7 पे एकदम शार्प चेंज दिखाई दिया हमें, और जैसे ही pH हाई पहुँचेगा इसका, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप जो भी हम डाल रहे थे, देख रहे थे ना, वहाँ से हम जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड कर रहे थे इंडिकेटर का कलर चेंज हो जा रहा था, यानी pH एकदम से हाई हो जा रहा था, करीब 11 point समथिंग पहुँच के यहाँ पर धीरे 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 चेंज होता रहता है फिर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है,
अच्छा, ये जब हम वॉल्यूम ऑफ NaOH ऊपर से ऐड कर रहे हैं तब ये pH चेंज हो रहा है। अब अगर हमने इसी में ये किया होता कि ये हमारा ग्राफ है और यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड कर रहे होते तो शुरुआत में हमारे पास क्या होता, नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क था स्टार्टिंग में 100 ml हमने क्या लिया होता, उसमें NaOH अगर लिया होता और ऊपर से एसिड ऐड कर रहे होते तो हम वॉल्यूम ऑफ एसिड को काउंट करते हैं और सब चीज़ें ऑपोजिट करके देख लीजिए तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता वो समवेयर कहाँ से प्लॉट होता, 12 और 11 के बीच में लगा लीजिए, 11 पॉइंट समथिंग के बीच से यहीं से प्लॉट करना शुरू करते और अगेन वो 7 पे आके शार्प हो जाता और ये आपका, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप बेस को में एसिड डाल रहे हो, ठीक है, एसिड इन बेस, तो सबसे पहले आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज़ है वो बेस है तो उसका पीएच हाई होगा, ठीक है, तो हाई पीएच से ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही कर्व है, ठीक है, अगर ऐसा कोई कर्व है तो वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर लिखा है कि शार्प चेंज 7 पे हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि एकदम शार्प चेंज हुआ है एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे, और जहाँ एकदम ये पीएच का शार्प चेंज होता है उस पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व इस तरह से बनता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ तो हमने वन नॉर्मल सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, वन नॉर्मल बनाया था तो हम इंडिकेटर किसी भी रेंज का ले सकते हैं, 3 से लेके 10.5 तक इंडिकेटर कोई सा भी ले सकते हैं। यही अगर हमारा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन हमने लिया होता एसिड और बेस का तो कैसे इंडिकेटर्स किस रेंज के, 4.5 से लेके 9.5 तक इंडिकेटर का पीएच हम लेते, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज यूज हो सकता है उस रेंज में। ऐसा इसलिए क्योंकि 0.1 सॉल्यूशन नॉर्मल जो सॉल्यूशन है एसिड एसिड का या बेस का उसका पीएच डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 0.01 नॉर्मल लेते तो हमें रेंज और छोटी करना पड़ती इंडिकेटर की, जो कि हम करते 5.5 से 8.5 तक की रेंज में इंडिकेटर लेते, जैसे कि मिथाइल रेड, ब्रोमो मिथाइल ब्लू, फिनॉल रेड, इस टाइप के इंडिकेटर उसमें यूज हम करते। तो अकॉर्डिंग टू आपने किस टाइप का, कितने नॉर्मल का HCl या फिर NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है उसके हिसाब से हम उसका इंडिकेटर का पीएच लेंगे, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व आपको बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लगा लगा के ग्राफ प्लॉट करके देखोगे, वैसे तो प्रैक्टिकली जब आप लैब में करोगे पीएच मीटर से तो बहुत इजी प्रैक्टिकल है ये, बट अगर आप यहाँ वर्चुअली ऐड कर रहे हो 75 ml और कैलकुलेट करके प्लॉट कर रहे हो थोड़ा लग सकता है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आई होप। तो कोशिश करेंगे इसे समझने की, कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।